ट्रेडर्स वेलकम टू फिनोली। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और कुछ बेहतरीन ट्रेड स्टॉक्स जो हम कल के सेशन के लिए ट्रेड करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे कल मैंने क्या लेवल दिया था उसके हम बात कर लिया, तो कल का हमारा इंट्राडे स्टॉक्स कैसे परफॉर्म किया उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यार हमारे पास जो हमारा इंट्राडे स्टॉक्स था वो सबसे पहले देख लेते हैं। कल हमने आपको बोला था डीएलएफ के बारे में, राइट, डीएलएफ के बारे में बोला था। डीएलएफ का देखते क्या इसमें चल रहा था आज। सबसे पहले आप डीएलएफ यहाँ पे चेक कर लो। अब डीएलएफ में चेक करो तो डीएलएफ में मैंने आपको क्या बोला था, अगर इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, राइट। हमें ब्रेकआउट तो मिला, ब्रेकआउट मिला, एक अच्छा ब्रेकआउट था, पर ये ब्रेकआउट हमारा सस्टेन नहीं कर पाया। अच्छे वॉल्यूम के साथ भी आया था यार, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे नीचे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर हमारे पास था ओबेरॉय रियलिटी। ओके, ओबेरॉय रियलिटी में क्या था, ओबेरॉय रियलिटी का देखो तो मैंने आपको क्या बोला था, इसमें अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, राइट, अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम बाय करके चलेंगे। तो यार सबसे पहले देखो 930 का जो हमारा कैंडल है, ये वाला कैंडल आप देखो तो ये तो ओपन हुआ, ओपन होते के साथ ये यहाँ पे लो ओपन हुआ था, उसके बाद इधर ऐसे बनाया ये यहाँ पे डोजी बना, डोजी के बाद ये, तो इसमें कुछ एंट्री ऐसा मुझे खास दिखाने तो इसे अवॉइड करते, ये हमारा एंट्री इसमें ट्रिगर हुआ नहीं। उसके बाद हमारा था HDFC बैंक। ओके, HDFC बैंक की बात करें यार, तो HDFC बैंक ओपन होते ही उसका मार्केट में सेलिंग आने लगी, राइट। तो यहाँ पे मेरा प्रॉपर प्लान था कि इससे 1702 के ऊपर बाय करनी है, लेकिन इसकी ओपनिंग की गैप अप हुई तो यहाँ भी हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं होती है, राइट। अब इसके बाद हमारा था ICICI बैंक। ओके, ICICI बैंक में भी क्या था हमारा कि ओपनिंग अगर इसके ऊपर होता है, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप पहले हमारी थी क्या, इसके ऊपर ओपन होता है तो हम बाय करेंगे, लेकिन इवन दाउ देखो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे जस्ट टच करने के बाद मार्केट हमारा जो पहला दो टारगेट था मार्केट इसने हमें दिया वो टारगेट, लेकिन देखो गैप अप खुला तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री बनती नहीं है लॉजिकली। तो आज के किसी भी स्टॉक्स में हमारा एंट्री नहीं बना। अब हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और कल जो हमने लेवल दिया था वो कैसे काम किया और आज का लेवल्स। यार देखो सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं, तो निफ्टी मैंने बताया था कि 17,850 के रेजिस्टेंस है, राइट, 17,850 का रेजिस्टेंस है। मार्केट हमारा ओपन कहीं इसी के आसपास हुआ, राइट, फ्लैट ओपन हुआ बोले तो इसी पोजीशन के आसपास ओपन हुआ और मार्केट में एक जबरदस्त सेलिंग आई। सेलिंग के कारण क्या था, तो सेलिंग के पीछे रीजन था आईटी स्टॉक्स का फॉल होना। आईटी स्टॉक्स मैंने कल आपको बताया था कि इंफोसिस का जो रिजल्ट था बहुत खराब था और आईटी स्टॉक्स वहां पे बहुत पिट चुके थे। आपको मैं दिखाता हूँ आईटी स्टॉक्स का चार्ट, आप देख लो ये आपके पूरे आईटी स्टॉक्स के क्या है कंडीशंस। इन्फोसिस लगभग ये तो 1200 के 1220 के आसपास इसके लोग गए थे लगभग, फिर उसने रिकवर हुआ। फिर LTM एंट्री देखो, परसिस्टेंट देखो, LNT टेक्नोलॉजी, विप्रो, TCS सब गिरे हैं यार, सब मतलब बहुत तेजी से गिरे हैं। यहाँ पे एक स्टॉक्स जो MTR टेक था उसने सही यहाँ पे परफॉर्म किया, 2.5% अप था, बाकी सभी के सभी स्टॉक्स यहाँ पे गिरे हैं। ओके, आज मार्केट में फॉल हुए हैं। तो आईटी के कारण इसमें एक तगड़ी सेलिंग आई, तगड़ी सेलिंग आने के बाद हमने आपको बोला था कि अगर सेल होता और मार्केट यहाँ के आसपास कहीं मिलता है तो यहाँ पे बाय करेंगे 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान के। यार देखो अगर आपने यहाँ पे बाय किया तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। उसके बाद हमें सेकेंड बाइंग हमारी जो मिली ये 17,550 के लिए, बल्कि इसके आसपास मिली। यहाँ पे आप देखो एक मॉर्निंग स्टार टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बना और ये मॉर्निंग स्टार आपको एक अच्छा रिकवरी दिया, मार्केट में एक अच्छा रिकवरी मिला इस मॉर्निंग स्टार के कारण। लगभग यहाँ से 17,580-600 का लेवल से मार्केट लगभग यहाँ तक 580 से 680 लगभग 100 पॉइंट का मूव दिया। उसके बाद मार्केट जाके फाइनली क्लोज हुआ 17,704, मतलब ठीक ठाक क्लोजिंग बोल सकते हैं, उतना भी सही क्लोजिंग नहीं है। अब हमारे पास ऊपर का जो ये लेवल है ना, इस रैली का जो ये हाई है, राइट, 17,850, ये एक रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। ओके, तो कल अगर इसके ऊपर, इसके ऊपर अगर ओपन होना है, देखो मार्केट में अगर कल फ्लैट ओपन होता है, राइट, फ्लैट ओपन होता है तो हमारे पास सबसे पहला रेजिस्टेंस ये वाला लेवल होगा 17,770, उसके बाद 17,850 का लेवल, राइट। अगर कल फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होकर इस लेवल को ब्रेक करता है 5 मिनट का कैंडल क्लोज के बाद, फिर हमारे पास ये टारगेट हो जाएगा, या फिर गैप डाउन कल खुलता है और इस लेवल के आसपास मिलता है तो यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। ये हमारा लेवल्स रहेगा निफ्टी के लिए। ओके, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें यार, तो बैंक निफ्टी तो मैंने जो बताया था आपको एक्जैक्टली वही मैंने बताया था, 42,600 का जो हमारा रेजिस्टेंस है ये एकदम एक्जैक्टली इसे टच कर यहीं पे ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट में सेलिंग आ गई, राइट, और सेलिंग ऐसी आई तगड़ी वाली, मतलब आपने यहाँ पे बाय कर किया होगा
तो फिर आपको देखो यहाँ एक अच्छा यहाँ पे, और मैंने जो बाइंग लेवल दिया था एग्जैक्टली उसे हिट करा, 41,800 का लेवल को टच किया, टच करते के साथ ही 42,200 पॉइंट का मूव यहाँ पे भी देखने को मिला है। कल के लिए हमारा क्या प्लान रहेगा, कल अगर मार्केट देखो फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ये मार्केट कहीं पे भी ऐसे धीरे धीरे करके इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पे हम सेल करेंगे, ज्यादा नहीं 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बोले तो 15 से 20 पॉइंट का आपका वो ऑप्शंस में स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। और हमारा टारगेट ये वाला लेवल होना चाहिए एटलीस्ट, तो यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग का हमारा होना चाहिए, राइट। जब मार्केट यहाँ से ओपन होते ही नीचे आए तो फिर अगर इस लेवल के आसपास आए तो यहाँ पे भी हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो यहाँ पे बाय करके चलेंगे, हमारा टारगेट जो होगा प्रीवियस डे क्लोजिंग। तो ये हमारा प्लान रहेगा बैंक निफ्टी में कल के लिए, राइट। अब हम इंट्राडे स्टॉक्स की बात करते हैं यार, तो इंट्राडे स्टॉक्स में हमारे पास देखो हिंडालको है, हिंडालको में अगर आप चेक करो तो हिंडालको में जो अगर आप इसे आवरली टाइम फ्रेम पे देखो तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ हिंडालको में देखो ये जो लेवल्स है ना, ये वाले लेवल्स, इसके बाद हिंडालको में सेलिंग आई है, राइट। इसके बाद ये वाले लेवल के बाद यहाँ से हिंडालको में सेलिंग आई है, राइट, यहाँ से। और इसके मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कर दूँ तो थोड़ा आपको और थोड़ा अच्छा से दिख जाएगा, राइट। तो ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन, यहाँ से हिंडालको में सेलिंग आई है यार, तो मेरे अनुसार ये हिंडालको में 435 का जो लेवल है, ये 37 आ रहा है, 435 में राउंड फिगर में मान के चल रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस जोन होगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 438 का रहेगा और नीचे हमारा टारगेट इसमें, मेरा ऐसा मानना है, आप डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा ऐसा देखो तो मैं इसमें ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट। आप देखो ये यहाँ ब्रेकडाउन था, राइट, ये ब्रेकडाउन है, अब इस ब्रेकडाउन को ये टच करने जा रहा हूँ, यहाँ से नीचे की ओर विक्रेगी हमें और देखने को मिल सकती है हिंडालको में, तो यहाँ पे 435 का यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस 438 का होगा और नीचे हमारा टारगेट एक अच्छा 430-428 का हम इसमें रख सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल यहाँ पे गैप अप हो और गैप अप होते के साथ यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बने, ये एकदम एग्जैक्टली मुझे निफ्टी का जिस तरह से ग्रोथ निफ्टी के टाइप का ही मूवमेंट दिख रहा है, ऐसे ही हमारे एचडीएफसी बैंक में भी मूवमेंट था, तो आप थोड़ा सा पीछे चार्ट जाके देख सकते हो। उसके बाद हमारा ये जो गैस सेक्टर के जो भी कंपनी एमजीएल वगैरह हो गया, एमजीएल आईजीएल, ये सब अच्छी मूव यहाँ पे हमें दिख रही है, तो मैं यहाँ पे एमजीएल के बारे में बात कर रहा हूँ। एमजीएल में देखो यार, तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो एक अच्छा क्लोजिंग हमें मिला है, तो इसको हम थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा रहा हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, अगर इसके ऊपर ये क्लोज करता है कल, राइट, 1015 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे बाय करने के बाय करके चलेंगे, राइट। 1015 के ऊपर क्लोज करता है तो बाय करके चलेंगे और हमारे यहाँ पे पहला टारगेट होगा 1019-20 का और 1025 का, ये हमारा टारगेट होगा एमजीएल में, ये हमारा रहा एमजीएल का। और इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका हो गया एमजीएल, हिंडालको हो गया, और एक स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसमें देख लेना, आईजीएल को भी देख लेना, ये तीनों चार स्टॉक्स जो है एक अच्छे मूव। हाँ, उसके बाद मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ, ओबराय रियलिटी आप देख लेना ये, या फिर इंडियन होटल्स, ये रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स ना कुछ अच्छे करने वाले हैं क्योंकि इसमें अच्छी तगड़ी में मूवमेंट देखने को मिली है। तो यार देखो ये रियलिटी इंडियन होटल्स है, इंडियन होटल्स में अगर आप देखो तो ये 5 मिनट के टाइम पे 15 मिनट के टाइम पे पे मैं पे कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है, राइट। अगर आप देखो तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे यहाँ के ऊपर ब्रेकआउट, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, अगर ये 335 के ऊपर कल क्लोज करता है, राइट, तो यहाँ पे बाय करके चलेंगे, हमारा पहला टारगेट होगा इसमें 338 का और दूसरा टारगेट 341 का होगा, स्टॉप लॉस हमारा 332 का होगा इसमें, राइट। ये रहा हमारा इंडियन होटल्स। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, और ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये आप देख रहे हो, यहीं से मैं पूरे इंडेक्स के कौन कौन से किस में कौन से स्टॉक्स है ये मैं पूरी चेक कर सकता हूँ, राइट। पूरे निफ्टी 50 की क्या वैल्यू आज मूवमेंट रही, कौन सा यहाँ पे नेगेटिव में है, कौन सा पॉजिटिव में, अगर आपको चेक करना है तो आप इजीली से चेक कर सकते हो, कहाँ से, ये धन के प्लेटफॉर्म पे, ये धन पे आपको सारी चीजें मिलेगी और बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए ट्रेडर्स। तो ये सब चीजें आपको चेक करना है तो आप धन पे अकाउंट खोल लो, डिस्क्रिप्शन में धन का अकाउंट ओपनिंग लिंक है, वहाँ से आप ट्रेड करो यार, यहीं से आप बास्केट ऑर्डर भी बना सकते हो, इवन इसको एग्जीक्यूट भी करा सकते हो, अपने ऑर्डर को यहीं से एग्जीक्यूट बाय सेल भी कर सकते हो, यहाँ पे आप बाय पे क्लिक करो बाय हो जाएगा, आपको इंट्राडे में बाय करनी है या जिस तरह से बाय करनी है आप बाय सेल कर सकते हो, राइट। देखो यहाँ पे लेवरेज पे बाय करनी है, फॉरेक्स की लेवरेज मिल रही है, ये सभी चीजें आपको मिलेगी कहाँ पे, ट्रेडिंग में भी देखो आपको यहाँ पे फॉरेक्स की लेवरेज मिल जाएगी, ये सभी चीजें आपको मिलेगी धन पे।